अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज जौजा वालों के लिए सितंबर 2019 कैसा गुजरे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकम ता 8 सितंबर, माली हालात में कदर बेहतरी आएगी, कारोबार बढ़ेगा, बेरोजगार अफराद को भी बेहतर मुलाजमत मिलने के कवी इम्कानात हैं। घर के ताजीनों व आरइश पर खास तवज्जो देंगे और इस हवाले से अखराजात भी आपके बढ़ेंगे। आपके बुर्ज का हकम स्यारा तारद नहस मरीखी करानी हालत से गुजर रहा है। इस नज़र के तहत करीबी रिश्तेदारों से बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। किसी भी लड़ाई झगड़े का खदशा है। वो वालदैन जिनकी औलाद जवान है, उनको अपनी औलाद पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। आपकी लापरवाही नुकसान दे सकती है। किसी भी बात को सख्ती से समझाने की बजाय नरम रवैया अख्तियार करें, वरना हालात बहुत तेजी से खराब हो सकते हैं। 9-16 सितंबर, घरेलू माहौल कदरे खुशगवार रहेगा। इस अरसे में कोई भी गैर कानूनी काम ना करे, वरना जल्द पकड़े जाएंगे। इस हफ्ते आपके बुर्ज का हाकम सियारा दो अहम नजरात कायम कर रहा है। इसके मुताबिक हफ्ते के इब्तदाई अयाम नहस और आखिरी अयाम सैद होंगे। आप में मौजूदा मसाइल से निपटने की सलाहियत मौजूद है। इस हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा मुफीद बनाने की कोशिश करें और अपनी कोशिशों के बेहतर नतायज का इंतजार करें। अपनी कोशिशों का समर हासिल करने के लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन हद से ज्यादा मुतालबा ठीक नहीं होगा। 17-25 सितम्बर, कोशिश करें कि कानूनी मुकदमात का फैसला इस अरसे में ना हो, वरना फैसला आपके हक में ना होगा। इन याम में आपकी लापरवाही या जल्दबाजी से बना हुआ काम बिगाड़ लेंगे। अतारत जोहल तरबी नहस है। अचानक बड़ी तब्दीली रूनमा हो सकती है। गैर मुआफक नजरात के तहत मुश्तरका मालियाती इंश्योरेंस टैक्स और तरका के वगैरह की वजह से इख्तलाफात या मुकदमाबाजी ला सकते हैं। इन याम में सोचने समझने की सलाहियतों में कमी होगी। बैरून मुल्क सफर और कारोबार के मौके में रुकावट आ सकती है। इस हफ्ते अपने बुर्ज का सदका लाजमी दें। 26-30 सितंबर, गैर जरूरी जगहों पर अखराजात आप करेंगे, अनामिस की मुहिम हिस्सा ना लें, वरना नुकसान उठाएंगे। तालीम की तरफ आपकी तवज्जो कम रहेगी। उम्मीदों व ख्वाहिशात की राह में गैर मतवक रुकावटें आएंगी। इस हफ्ते आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। इजहार मोहब्बत के लिए ये वक्त बेहतर है। यूरानस के मस्बत असरात से तावन करें तो ये स्यारा अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। चंद नए रास्ते नजर आएंगे, कारोबार को फरोख दे सकते हैं। एक रुका हुआ मसला भी हल हो सकता है। जहनी और जिस्मानी तवज्जो अमली मामला की जानब माइल रहेगी। इत्मीनान बख्श हल निकालने के लिए बेहतर है कि खुद को तरोताज़ा रखें और कुछ सितारे आपके हक में हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।